डाकिया डाक के साथ साथ तिलकुट भी लाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ शिवांगी अग्रवाल। दरअसल डाक विभाग का बिहार परिमंडल अब गया का तिलकुट भी बेचेगा। जी हां, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पटना जीपीओ में इसी हफ्ते से बिक्री शुरू होने की उम्मीद है। आप व्हाट्सएप नंबर पर भी ऑर्डर करके गया का तिलकुट अपने घर मंगा सकते हैं। इस आशय का निर्देश बिहार परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने जारी कर दिया है। डाक विभाग सिर्फ गया का ही तिलकुट बेचेगा। गया के प्रसिद्ध और लोकप्रिय ब्रांड से इसके लिए करार किया गया है। मकसद यह है कि तिलकुट की गुणवत्ता किसी भी तरह से कमतर न हो। गया का तिलकुट 1 किलो और आधा किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। चीफ पोस्टमास्टर रास बिहारी राम ने जीपीओ में इसकी बिक्री की तैयारी शुरू कर दी है। 1 से 2 दिन में ऑर्डर लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। इस पर उपभोक्ता ऑर्डर दे सकेंगे और डाकिये के जरिए उन्हें तिलकुट उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही जीपीओ में नकदी तौर पर भी तिलकुट की बिक्री होगी। तिलकुट की कीमत अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन दर प्रतिस्पर्धी रहेगी। ठंड के मौसम में सेहत के लिए तिलकुट का सेवन काफी लाभदायक है। इसके सेवन से शरीर को ठंड से लड़ने की ताकत मिलती है। तिल की तासीर गर्म मानी जाती है। आयुर्वेद ठंड के मौसम में इसके सेवन की सलाह देता है। दूसरी तरफ तिलकुट बनाने के मामले में गया के कारीगर पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। गया का तिलकुट अपनी सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता है। अपनी खास क्वालिटी की वजह से गया का तिलकुट दूर दूर तक पहुंचता है। लोग अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को इसे भेजते रहते हैं। तो फिर आप भी कर लीजिए ऑर्डर और मंगवा लीजिए अपने घर गया के फेमस तिलकुट को। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एचडी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।